बच्चन हमेशा से ही गुस्से में रहा करती थी। उसे जैसे ही कोई कुछ बोले वह ज्वालामुखी की तरह उस पर बरस जाया करती थी। एक दिन गुस्से में वह अपने कमरे का सामान इधर से उधर फेंक रही होती है, तभी वहाँ उसका पति राजेश आता है और बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? सामानों को किधर उधर क्यों फेंक रही हो? अरे आखिर बात क्या हो गई बताओ तो? अरे घर को क्यों सर पे उठा रखा है? अरे बाद में तुम्हें उठा के रखना होगा, क्यों डबल काम करना चाहती हो? देखिए इस समय आप मुझे कुछ ना ही बोले तो अच्छा होगा, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है। बिना बात के मैं आपको कुछ बोल दूंगी फिर आपका मुंह बन जाएगा। तुम्हारा दिमाग ठंडा ही कब रहता है? अरे जब देखो तब गर्म ही रहता है। अरे इसीलिए तो तुमसे बात करना ही छोड़ दिया है। आखिर बात क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या बताऊं कि क्या बात है, आप अपने परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते तो आपसे कुछ भी बोलने का फायदा ही क्या है? अब मेरे परिवार वालों ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण तुम्हें गुस्सा आ रहा है? और तुम ये क्यों कह रही हो कि मैं अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बोलूंगा? अरे यार वो तुम्हारे भी तो परिवार वाले हैं। मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन शायद आपके घर वाले नहीं जानते हैं, लेकिन बस जब देखो तब मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। ऊपर से आपकी बहन जो कि अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, उनके बच्चे पूरा दिन कुछ न कुछ ऑर्डर करते रहते हैं और मैं नौकरानियों की तरह किचन में ही खड़ी रहती हूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? छुट्टियाँ पड़ी है, मेरी बहन और उसके बच्चे आ गए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? छुट्टियाँ पड़ गई हैं इसका मतलब क्या पूरी छुट्टियाँ यहीं बिता कर जाएंगी? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। अगर वो यहाँ पर आई हैं तो उन्हें हमारे साथ थोड़ा हाथ बटाना चाहिए ना। वहाँ पर जब मेरी बुआ उनके बच्चे सब आते थे तो हम सब एक साथ घूमते फिरते थे, मस्ती भी करते थे और घर के सभी कामों में एक दूसरे का हाथ भी बटा लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर तो मेरी कोई मदद करने वाला ही नहीं है, सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं कामों में मदद कर दिया करूँगा, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, बस छुट्टियों की बात है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको शौक लग रहा है ना अपनी माँ से मुस्कालियाँ खिलवाने का। वो जैसे ही आपको मेरे साथ काम करता देखेंगी मुझे सुनाना चालू कर देंगी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। कंचन की बात सुनकर राजेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कंचन फिर से सामान को इधर उधर पटकने फेंकने और देखने लगती है। तभी उसकी सास उर्मिला उसे आवाज देती है, बहू ओ बहू कहाँ है तू, जरा यहाँ तो आ। हाँ माँ जी बताइए, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या आपको मुझसे? बहू क्या तू जब देखो तब अपने घर के और अपने कामों में लगी रहती है, छुट्टियाँ चल रही है, तेरी ननन तेरे घर आई है, उसे कुछ अच्छा बना के खिला, उसके साथ थोड़ा बाहर घूम फिर। बोल तो ऐसे रही है जैसे सारे घर के काम ये खुद कर लेंगे, अगर मैं अपनी ननद के साथ बाहर घूमने फिरूंगी तो। क्या हुआ तू किस सोच में पड़ गई, मैंने तुझे जो बोला तुझे समझ नहीं आया क्या? जैसे मैं तुझे कुछ बोलती हूँ पता नहीं तू कौन से ख्यालों में गुम हो जाती है। मैं अपने मायके की छुट्टियों में खो जाती हूँ माँ जी, क्या करूँ ससुराल की छुट्टियाँ मुझ पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही है। क्या बोली कंचन बहू, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोल। कोई बात नहीं माँ जी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी, मैं अपने सारे काम खत्म करके ननद जी को लेकर कहीं घूमने चली जाऊँगी। रहने दे बहू, तू अपने घर के काम ही खत्म कर ले, तेरी ननद को लेकर घुमाने मैं चली जाऊंगी। उर्मिला इतना कहकर अपनी लड़की को लेकर घूमने निकल जाती है और कंचन को फिर से घर के काम में लगा देती है और उसका गुस्सा फिर से सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। दिन बीतते जाते हैं, जहां एक तरफ छुट्टियों में सभी को आराम मिल रहा था वहीं दूसरी तरफ कंचन का काम बढ़ रहा था। वह बस जैसे तैसे अपने मायके जाने का जुगाड़ करती रहती थी। तभी एक दिन उसकी माँ सावित्री का फोन आता है और वह बोलती है, और बता बेटी कैसी है तू, तेरे ससुराल में छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं? इस टाइम तो सभी लोग इकट्ठा होंगे ना, बहुत मजा आता होगा तुझे, साल में यही छुट्टियों का तो समय होता है जब लोग इकट्ठा होते हैं। काहे के मजे, माँ जब से ननद आई है तब से बस काम काम और मेरा जीना हराम, कहीं बाहर जाने को ही नहीं मिलता, उनके बच्चे दिन रात मेरा जीना हराम करके रखते हैं। तो माँ बेटी अकेले ही घूमती रहती है और मुझे घर की नौकरानी बना कर रखती है। ये क्या कह रही है बेटी, इसका मतलब है तुझे अपनी ससुराल की छुट्टियों में आराम नहीं मिलता? माँ लड़कियों को आराम सिर्फ अपने मायके में होता है, ससुराल में उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। मायके में तो कम से कम जब वो छुट्टियों में जाती है तो थोड़ा आराम तो नसीब होता है। बेटी यही सोच कर तो मैंने तुझे बुलाया नहीं, तेरी शादी के बाद तेरी पहली छुट्टी पड़ी है, नाते रिश्तेदार आएंगे, उन सबसे तू जान पहचान बनाएगी, उनके साथ समय बिताएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू हमेशा के लिए बस खड़ी ही रहेगी। अब क्या ही बोलूं,
गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। बिना बात के घर में बखेड़ा हो जाएगा। मेरी ननद 4 साल से छुट्टियों में घर नहीं गई है, लेकिन जैसा उनके भाई की शादी हुई है, उनको ये पता लगा है कि घर में काम करने वाली नौकरानी आ गई है, तब से वो तुरंत अपने घर में वापस आ जाती है। सोचती है कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे काम करना पड़ेगा। बेटी तू एक काम कर, मैं दामाद जी से बात करती हूँ और छुट्टियों में ना मैं तुझे अपने घर बुला लेती हूँ। वैसे भी तेरे चाचा के लड़के लड़के सब पूछ रहे हैं, यहाँ पर उनके साथ थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो तुझे अच्छा लगेगा। माँ आना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या ही बोलूँ। जैसे ही मैं ससुराल वालों से मायके जाने की बात करूँगी, मेरी सास का मुँह बन जाएगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद ननन जी को ही तो घर का सारा काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी सास तो करने से रही। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कुछ ना कुछ तरकीब लगा ही लूंगी। चल मैं फोन रखती हूँ, तुझे मैं बाद में फोन करूंगी। सावित्री इतना कहकर फोन रख देती है और अपने दामाद को फोन मिलाकर वह उन्हें अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अपनी बेटी को घर बुलाने को कहती है, जिस पर राजेश बोलता है, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ माँ से, उसके बाद 2 दिन में मैं उसको भेजता हूँ मायके। आप ज्यादा परेशान मत होइए, वैसे भी वो यहाँ परेशान हो चुकी है, वहाँ रहेगी तो सब सही हो जाएगा और गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। मेरा दामाद कितना समझदार है, बिना कहे सारी बातें समझ जाता है। बेटा मैं इंतजार करूंगी, एक ही छुट्टी तो होती है जब लोग कहीं आ जा सकते हैं, वरना साल भर तो बंदे रहते हैं लोग। जी मम्मी जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भेज दूं। थोड़ी देर बाद राजेश फोन काट देता है और वापस जाने के बाद वह अपनी माँ से बात करके कंचन के मायके जाने की तैयारी करवा देता है। मायके का नाम सुनते ही कंचन खुश हो जाती है और अगले दिन राजेश उसे मायके छोड़ आता है, जहाँ वह अपने चाचा के बच्चों के साथ खूब मस्ती मजाक करती है और घूमती फिरती है। वहीं दूसरी तरफ कंचन के जाने के बाद सारा काम उसकी ननन को करना पड़ रहा था और इसी चक्कर में 2 दिन में ही वो अपने ससुराल भाग जाती है। तभी कंचन के पास राजेश का फोन आता है और वह बोलता है, छुट्टियों में जिनके कारण ना तुमने मायके में जाके बैठी हो ना, वो जा चुकी हैं, तो अब तुम आ सकती हो अगर आने का कष्ट करना हो तो। अगर वहाँ रहना चाहती हो तो रह लो, तुम्हारी इच्छा। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छुट्टियों में मेरी बहन और उसके बच्चे आए थे, वो अपने घर चले गए और तुम भी अपने घर आ जाओ। वैसे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तब तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम दोनों माँ बेटी का ये प्लान था। चलिए ठीक है, अगर आपको पता चल गया है तो अच्छी बात है, अब मैं झूठ नहीं बोलती। तो क्या करती, आपको अपने परिवार की खुशी के अलावा मेरी तकलीफ कहाँ दिखाई देती है। कंचन इतना कहकर फोन रख देती है और अपने पति को बुलाने के बाद वह पूरी छुट्टियां अपने मायके में ही बिताती है और इस तरह से उसे छुट्टियों में मायके वर्सेस ससुराल दोनों का मजा मिल जाता है।